Rahul Gandhi has been convicted by a Surat court in a 2019 defamation case. In a massive setback for the Congress MP, Rahul has been sentenced to 2 years jail term, the maximum punishment in a defamation case. The Congress MP, however, secured bail immediately and is now left from court. Rahul, remember, faces legal trouble now after his comment in a rally in Karnataka's Kolar in 2019, where he questioned why those with Modi surname are thieves. The petitioner accused Rahul of insulting the Modi community with his comment, and the court has now found him guilty of this crime. Rahul, meanwhile, in the court before the verdict was pronounced, maintained he did not mean to hurt anyone or defame with his comment. He's also said he will continue to raise his voice against corruption. The BJP, meanwhile, has welcomed the verdict, accusing Rahul of intentionally targeting an entire community. देखिए, फैसला जो आया है वो मैंने बताया कि सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों, इसके जो भाषण था कर्नाटक में चुनाव के दौरान 2019 में, तो वहाँ हमने यहाँ गुजरात में सूरत में, सूरत की कोर्ट में, न्यायालय में हमने याचिका दायर की थी, और आज उनका जजमेंट आया है, फैसला आया है, तो फैसला का हम हृदय से स्वागत करते हैं। अच्छा, लेकिन दोनों ही साइड जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, आपका क्या कहना है इसको लेकर? ये हमारा मामला नहीं, उनका मामला है। अब अच्छा, 2 साल की जो सजा का ऐलान हुआ है उससे खुश है आप? नहीं, देखो, खुश ना खुश का सवाल नहीं है भाई, ये सामाजिक आंदोलन है। अगर किसी भी समाज के ज्ञाति को, किसी सरनेम को, किसी विशेष ज्ञाति जो प्रधान हमारा भारत, उसके विरुद्ध में ऐसा बयान नहीं करना चाहिए, और कुछ नहीं। कोर्ट ने आज राहुल जी को आईपीसी कलम 499 और 500 के तरह उसको दोषी ठहराया गया और 2 साल की सजा सुना दी, और वो सजा जो नियम मुजब मौकूफ कर दी गई 30 दिन के लिए, ताकि वो इस जजमेंट के सामने अपील कर सके, और उसको बेल दे दिया गया। सर, क्या कहा राहुल गांधी की ओर से, क्या आर्ग्यूमेंट आप लोगों ने पेश किया? आज को उसको कन्विक्शन में तो जजमेंट है, फिर सजा कितनी करनी चाहिए उसका आर्ग्यूमेंट होता है। उसमें राहुल जी ने बताया कि मैंने जो कुछ किया है वो पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से किया है, मेरी फर्ज बनती है कि देश में करप्शन हो तो उसको मैं खुला करूं, तो मैंने जो भी किया है वो मेरी पॉलिटिकल लीडर की फर्ज में आता है, वही किया, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। कोर्ट ने अब क्या कहा है, आगे राहुल गांधी की ओर से आप लोगों का क्या स्टेप रहेगा? आगे अपील, दैट्स ओनली वे ओपन। अच्छा, यहाँ से सीधा हाई कोर्ट में आप अपील? हाई कोर्ट नहीं जा सकते हम, सेशंस कोर्ट में अपील होगी, यदि सेशंस नहीं कर सुनती हमारी बात तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उनका सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट यह था कि जैसे ही राहुल गांधी जी कोर्ट में आए तब उन्हें पूछा गया कि यू आर गिल्टी, व्हाट यू वांट टू से रिगार्डिंग दिस गिल्टी, उन्हें दोषी जाहिर किया तो कोर्ट ने उन्हें पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा करप्शन के खिलाफ आवाज उठाता हूँ, ये है, तो मैंने ये बोला था जो भी है।